टेंट मंगवा लिए और यहाँ कटाई चढ़गी। लगातार आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो ब्रजभूषण जेल के अंदर नहीं जाता, सजा नहीं मिलती। मोदी दोबारा नहीं आवेगा बेटा, इसका नाम निशान 2024 में मिटा देंगे। पदक लाती हैं तब वो प्रधानमंत्री की बेटी हो जाती, उनके परिवार का सदस्य हो जाती, तो जब वो अपने हकों की बात करती हैं तो वो जाट की हो जाती, हरियाणा की हो जाती। धरने में सहयोग सभी का बराबर रहेगा। खाप के लिए लड़की सब खाप की लड़की है, केवल ये एक जाति बिरादरी या खाप की लड़की नहीं है, ये सर्व खाप की लड़की है। आरोपी खुद कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के हाथों मैं गिरफ्तारी दे दूं या मैं इस्तीफा दे दूं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे इस बात को? तो ये खाप चौधरी जो है इस लड़ाई को पूरी आर पार करके मान लेंगे, किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं। सरकार तो यह मोहर लगावा हमारी बेटियां ने जल्द से जल्द निशा दुआने का काम करे। जैसे आप ये कह रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाए भी लेई पढ़ाए भी लेई, ये गोल्ड मॉडल भी जीत लियाई, हमारी भारत की शान भी बढ़ा दी, तिरंगा की शान बढ़ा दी, तिरंगा लहराया हमारी बेटियां ने। आज हमारी बेटियां ने उसके राज में उसके मंत्री आज हमारी बेटियां की इज्जत के गाहक बन रहे हैं, तार तार कर दिया। जैसे हमारी ऐसी ऐसी बेटियां को भी शोषण कराया जावा है तो हमारी आम बेटी कैसे बचेंगी? बेटियां का मामला है बेटा, नहीं बेटा राजनीति नहीं हो रही, सारे समर्थ देने आ रहे, हमारे बेटे हमारी बेटियां के लिए आ रहे हैं हम। राजनीति राजनीति की जगह राजनीति आ जाएंगे तो झंडे ठाके बेटा हम चिख लिए। इब तो मैं हमारी हमारी हक की लड़ाई लड़ांगे, हमारी बेटियां का बारे में जो भी फैसला आएगा उस फैसले पर फूल चढ़ाएंगे, खड़े उतरेंगे, उनका साथ देंगे, हमारी बेटियों का निशाब नहीं मिलेगा। खेल मंत्री ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई, अब अपनी कार्रवाई करने ठीक है वो ठीक है, वो अपनी करवा देगा, ठीक है, कानून का आदमी कानून की बात करेगा, वो ठीक कह रहा। बहुत कुछ अंदर है, बोल नहीं रहे, बोल लेंगे सारे काम करेंगे, बोल लेंगे भाई जी। महाभारत में देखा क्या हुआ था, कहीं के ऊपर हुआ था महाभारत, एक ही बात पर हो गया था ना, लुंडी लारी को इज्जत माँ बेटी को हाथ नहीं लगाना चाहता, पकड़ लेना चाहना उससे, गलत बात, गलत बात। दोबारा सप्ताह में आ जाऊँगा, मोदी दोबारा नहीं आवेगा बेटा, इसका नाम निशान 2024 में मिटा देंगे। इति फुलमामा में हमारे फौजी मरवाए, उनकी आज तक जांच नहीं हुई, हमारे फौजी आ गई लखन खिरी में, हमारे जवान सिरिया में, हमारे जवान सड़क में चुक ले बैठा, उनके लिए इसने नु बलिया था, जो भी जांच होगी उसके मुताबिक वो करेंगे। अरे मुताबिक तो करेगा, जब करेगा जी सिरिया में दिखन लग रही, सारी दुनिया ने देखा, दूसरे देशों ने भी देखा, वह मंत्री का बेटे ने किसान आगे लड़के श्रेम सड़क पर चुक ले हैं, आज वह सड़क बेटा लाल खून से जानी जावेगी, जिलियाला बाग दृश्य देवे, जो हमारे बेटा के साथ हमारे किसानों के बेटा के साथ ऐसे दुर्घटना उसने करी है मंत्री के बेटे ने। आज तक भी मैं नूके नू फिर है, उनको कोई बर्खास्त नहीं, कोई जेल में नहीं, उनका कोई कानून नहीं, कानून व्यवस्था तो छोड़िए को नहीं। स्पेशल नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए आज बेटियां देखो सड़क पर है और सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, आखिर क्या है ये? ये कहीं ना कहीं इनका एक प्रोपोगंडा है, हिंदू मुस्लिम करो। प्रोपोगंडा हम नहीं चला रहे, हम तो कह रहे हैं एफआईआर होने में भाई साहब 8 दिन लग गए, वो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलती तो एफआईआर नहीं होता, और एफआईआर होने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार कहती है हम ऐसे गुंडे माफिया को जमीन में मिटा देंगे, गाड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो बेखौफ घूम रहे हैं और लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, फूल माला से अपना स्वागत करवा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपके दर्शकों को धन्यवाद कहेंगे कि वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं। जब जब आप अपने हकों की बात करेंगे तो आपको देशद्रोही ठहराया जाएगा, आपको जात विशेष का ठहराया जाएगा। अभी जब हमारी बेटियां जब भी वो पदक लाती हैं तब वो प्रधानमंत्री की बेटी हो जाती, उनके परिवार का सदस्य हो जाती, तो जब वो अपने हकों की बात करती हैं तो वह जाट की हो जाती हैं, हरियाणा की हो जाती हैं। तो ये सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही है, हम लोग तो भाई हम लोगों ने तो कभी ऐसा काम नहीं किया जो देश के खिलाफ हो। किसानों का आंदोलन हुआ, उन्हें की मुट्ठी भर किसान देशद्रोही, देश लोग आ गए मंत्र। अब उनको लगता होगा
आप बताओ, तिरंगा आपको दिख रहा, हम लोग जहाँ बैठे ये देखो फौजियों का वो है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समल उसके लिए दे दी है, वतन के लिए कर दी, उनके साथ अन्याय हो रहा। तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं और हमारे ख्याल से सब लोगों के साथ हमको जुटना पड़ेगा। खाप पंचायत ने जो महिलाओं ने जो हमारी लड़कियों ने इस देश का गर्व ऊंचा किया है और बीजेपी मंत्री की करतूत उजागर की है, उसके लिए खाप पंचायत उनकी साथ खड़ी है और जब तक लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक खाप पंचायत भी खिलाड़ियों के साथ संघर्ष करती रहेंगे। आंदोलन लंबा चलेगा? हाँ, लंबा चलेगा। ये सरकार को आदत है, बीजेपी को ये बहुत दिन बाद में सुनती है। किसान आंदोलन भी 13 महीने चला था, उसके बाद ये सुने थे, लेकिन ये भी लंबा चलेगा और लंबी लड़ाई के लिए खाप चौधरी और थम्बेदार सभी बराबर खिलाड़ियों को समर्थन में लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं, अलग अलग खापों से नहीं, एक सिस्टम बढ़ेगा, सिस्टम के तहत सभी लोग यहाँ पर बराबर आते रहेंगे। अभी किसान का कुछ काम भी रह रहा है, उस काम को निपटाते रहेंगे, लेकिन बराबर धरने में सहयोग सभी का बराबर रहेगा। खाप के लिए लड़की सब खाप की लड़की है, केवल ये एक जाति बिरादरी या खाप की लड़की नहीं है, ये सर्व खाप की लड़की है। अरे ऐसा नहीं, आप देख लो, आपके हाथ में तो कैमरा है, कैमरे में देख लो, सब खाप के लोग यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं विशेष वर्ग के लोग नहीं है, सभी खाप के लोग यहाँ पर, सभी बिरादरियों के लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि यह जो आंदोलन अभी लंबा चलेगा, ये मतलब किसान आंदोलन से और ज़्यादा भारी संख्या में? अब ये तो भाई बीजेपी वालों से पूछियो, इन लोगों से पूछियो, गृह मंत्रालय से पूछियो, वे कब तक इस पर फैसला लें। हमें तो ऐसा आभास हो रहा हूँ, ये तो उनके हाथ में बात है, वे इस फैसले को कब तक तय करो, ये तो उनका काम है, सरकार का काम है और प्रशासन का काम है। ये कितना लंबा आरोपी खुद कह रहा क्या प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी या वो मुझे कहे, खुद नाम ले रहा है प्रधानमंत्री का, तो फिर तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए ना उसमें। एक आरोपी को प्रधानमंत्री बचा रहा, एक लड़की खुद आरोप लगा रही है, लड़कियों को अपने पास में बैठा कर चाय पिला रहा प्रधानमंत्री, और ये कह रहा कि लड़की ये मेरे परिवार की लड़की है। अब परिवार की लड़की नहीं है, मैं उनके साथ अत्याचार हो रहा। अब आरोपी खुद कह रहा कि अगर प्रधानमंत्री कहे तो मैं गिरफ्तारी दे दूँ या मैं इस्तीफा दे दूँ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे इस बात को, इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, अभी तमाम मुद्दे उठे थे, लाइट वाइट का भी मुद्दा बता दें। हाँ, लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। वे तो जो खिलाड़ी है, नहीं केवल आज तो खिलाड़ियों के जो शोषण हुआ है उसके विषय पर, खिलाड़ियों की जो मांग है उसी पर चर्चा हुई है। लेकिन एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई है, तमाम नेताओं के बयान आए हैं, यह आंदोलन जो है खत्म हो जाना चाहिए। एफआईआर तो दर्ज होगी लेकिन न्याय तो नहीं मिला, अभी वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। चलो वो कानूनी प्रक्रिया है, चलती रहेगी, लेकिन धरना तभी खत्म होगा जब इन खिलाड़ियों को न्याय मिल जाएगा। आंदोलन उस रूप में चलेगा जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर चला था, अब यू दिल्ली के अंदर चलेगा, अब बॉर्डर पर नहीं चले, अब दिल्ली के दिल पर चलेगा यू आंदोलन, और इसमें लोग बराबर आते जाते रहेंगे जब तक किसान जवान और पहलवान को न्याय नहीं मिलता, जब तक ब्रजभूषण सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। भाई सुनो, आरोप तो बड़ी अच्छी बात है लगना, आरोप तो सुनो भाई, खिलाड़ी पर लग रहे होंगे कि राजनीति कर रहे, और ब्रजभूषण पर लग रहे जो है यौन शोषण के, तो आरोप मान लिया, आरोप तो यार लगाना भाई, सत्ता शासन में बैठे आदमी अपने आदमी को तो दूध का धुआं मान रहे, इन खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे, इस आरोप से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई राजनीति है ना कोई सत्ता है। देखो ये सब खप्पू के चौधरी आ रहे, और उन बेटियों के लिए उन भाइयों के लिए आ रहे जिनके साथ बिल्कुल मतलब अन्याय हुआ, तो कैसे बर्दाश्त कर लगा कौन, इस देश की जनता हिप जाग चुकी है, और इन चंद पहलवानों ने कुछ लड़कियां कुछ लड़के जिस तरीके से इन्होंने मतलब अपना वो दुख प्रकट करा, तो ये खाप चौधरी जो है इस लड़ाई को पूरी आर पार करके मान लेंगे।
किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं। ऐसा है जी, आर पार की लड़ाई है, किसान चारों तरफ अगर ऐसा बॉर्डर को घेर के बैठेंगे और टेंट मंगवा लिए और यहाँ कटाई चढ़गी, लगातार आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो ब्रजभूषण जेल के अंदर नहीं जाता, सजा नहीं मिलती तब तक आंदोलन रहेगा। यो जो रात को इस देश की सरकार द्वारा किया गया अपमानित बच्चियों को, जो देश के गौरव को बढ़ाया जिन्होंने, ये पूरे देश की जनता ने देखा, तो 2024 के चुनाव में ये जनता जवाब देगी, सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी और न्याय प्रणाली, न्याय प्रिय शासन करने वाले लोग इस सत्ता में आएंगे।